He's a very dedicated actor. 5 baje ki shift mein subah 5 baje aayenge. So I was very surprised because he's been working for so many years and still have that amount of dedication. So it was very very nice to watch him perform, and he's performed so well. I think he's gonna just shock everyone. So John pehle thode surprised the kya ki main 3 role kaise karu? He said. I said dekhiye Amit ji ne kiye hai, Rajnikant sir ne kiya hai, Kamal Hassan sir ne kiya hai, South mein Vijay sir. जूनियर एन टी आर ऑल ऑफ देम सबने किए हैं 3-3 रोल. हाय एवरीवन, आई एम दिव्या खोसला कुमार. हाय, आई एम मिलाप मिलन जवेरी. एंड यू आर वाचिंग अस ऑन peepingmoon.com. मुझे तो बहुत अच्छे रिएक्शंस मिल रहे हैं, बस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे फ़ोन्स आ रहे हैं दिल्ली से, जयपुर से, एंड बहुत लोग एक्साइटेड हैं. सो या वेल, लोगों को मज़ा आ रहा है. आई कैन सी जो ट्रेलर का रिएक्शन मास ऑडियंस स्पेशली में बहुत स्ट्रॉन्ग है. आई थिंक वो लोग बहुत एक्साइटेड है ट्रेलर्स के बाद. गाने तो ऑल द सॉन्ग्स आर डूइंग फैबुलसली. मेरी जिंदगी, लहंगा, कुसु कुसु, जनगण मन. तो एक उम्मीद है कि जो ऑडियंस, जिस ऑडियंस को पार्ट 1 पसंद आई थी, वो एक्साइटेड है सत्यमेव जयते 2 के लिए. मैं विद्या प्ले कर रही हूँ पिक्चर में, एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. एंड आई थिंक जैसे मिलाप ने विद्या को प्रेजेंट किया, यू नो, विद सो मच ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर एंड डिग्निटी, आई थिंक मैं खुद के लिए भी ऐसा विजुअलाइज नहीं कर पाती. सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी. तो एक मुझे ऐसा कैरेक्टर निभाने का मौका मिला जो मैं असल जिंदगी में नहीं हूँ. मेरा कभी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं रहा है, एंड द पावर शी ब्रिंग्स, एंड यू नो, इतने अच्छे डायलॉग्स मिलाप ने मेरे लिए लिखे. तो आई रियली एंजॉयड playing her, and yeah, I hope the audience enjoys her as much. See, मेरा process यही होता है कि जब मैं मुझे एक पूरी मैं स्क्रिप्ट को totality में देखती हूँ, और फिर जब मेरा character आता है तो I try to become like her. So I always try कि मैं ये लड़की, ये किरदार मैं बन जाऊँ. तो मैं एटलीस्ट आपको ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस दिला सकती हूँ कि जब आप स्क्रीन पर विद्या को देखेंगे तो उसमें आपको मैं कहीं भी नहीं दिखूंगी, आपको दिव्या नहीं दिखेगी, मतलब वो लड़की ही दिखेगी, विद्या. एंड देन आई थिंक वंस आई बिकम हर, देन ऑटोमेटिकली थिंग्स जस्ट फ्लो, यू नो, सो दैट इंटरनलाइजिंग द कैरेक्टर फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेल, मैंने काफ़ी बार कहा है कि जो जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी तो इट वॉज अ डबल रोल, सत्य और जय के किरदार, एक जो कानून का रखवाला, एक जो कानून तोड़ता है. दो भाइयों के बीच में जो टकरार है, जैसे पार्ट 1 में जॉन और मनोज सर के बीच में थी, फिर जैसे मैंने पिता का रोल लिखा, दादा साहब बलराम आज़ाद, तो मुझे एहसास हुआ कि ये रोल तो सबसे ज़बरदस्त है. फिर मैंने जॉन को बोला कि द फिल्म दैट जिसमें आप एक्टिंग कर रहे हो, अगर मैं किसी और एक्टर को लेकर आऊँ बाप के रोल के लिए, उसका रोल आपसे भी बेटर होगा, तो उससे अच्छा है कि आप ही करो रोल. तो जॉन पहले थोड़े सरप्राइज थे, कहे कि मैं 3 रोल कैसे करूं? ही सेड. आई सेड देखिए अमित जी ने किए हैं, रजनीकांत सर ने किया है, कमल हसन सर ने किया है, साउथ में विजय सर, जूनियर NTR, ऑल ऑफ देम सब ने किए हैं 3-3 रोल. सो फिर जॉन को मैंने कन्विंस किया, वो फुली कन्विंस नहीं था, स्पेशली टू प्ले द फादर्स रोल, बिकॉज द एफर्ट, जो मेहनत लगेगी, जो वक्त लगेगा ना तीनों किरदारों को निभाने, तीनों किरदारों को अलग तरीके से निभाने, बट फिर जॉन ने जो चुनौती है उसको स्वीकार की और फिर पूरे जोश के साथ उसमें वो जुड़ गए. बहुत बहुत अच्छा, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बींग है वो, एंड इट वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल टू वर्क विद हिम, क्योंकि बहुत ही हमारे बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी. तो वो एक कंपैटिबिलिटी लेवल था जो स्क्रीन पे भी दिखता है, जब आप हमारे रोमांटिक सॉन्ग जैसे रिलीज हुआ मेरी जिंदगी है, तो यू नो, तो हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी आई है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गिविंग एक्टर. सो आई थिंक वो जब दोनों एक्टर्स इतने फुल्ली अपनी जी जान डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन पर दिखता है. एंड ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड एक्टर. 5 बजे की शिफ्ट में सुबह 5 बजे आएंगे. सो आई वॉज वेरी सरप्राइज बिकॉज ही इज़ बीन वर्किंग सिंस सो मेनी ईयर्स एंड स्टिल हैव दैट अमाउंट ऑफ डेडिकेशन. सो इट वॉज वेरी वेरी नाइस टू वॉच हिम परफॉर्म, एंड ही इज़ परफॉर्म्ड सो वेल. आई थिंक ही इज़ गोना जस्ट शॉक एवरी वन.
सो मैं होप करती हूँ कि आफ्टर वॉचिंग सत्यमेव जयते 2 यू नो आई गेट मोर अपॉर्चुनिटीज फिल्म मेकर्स अप्रोच करें मुझे बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि अच्छे मीठी रोल्स मेरी तरफ आए चैलेंजिंग रोल्स यू नो जहाँ पर मैं कुछ जी जान से यू नो आई कैन बिकॉज आई थिंक वॉट आई रियली एम थैंकफुल फॉर इज दैट ऑडियंस रियली कनेक्ट्स टू मी. मेरे गाने भी दर्शकों ने बहुत पसंद किए और वो हमेशा मुझे इतना प्यार भेजते हैं. तो एज आर्टिस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके काम को एक कनेक्शन, एक आपका कनेक्शन हो ऑडियंस के प्रति. सो आई जस्ट होप आई गेट मोर अपॉर्चुनिटीज वेयर आई कैन शोकेस यू नो माई टैलेंट. वेल, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि भूषण सर हमेशा मुझे सुपर हिट म्यूजिक देते हैं. चाहे सत्यमेव जयते में दिलबर और पानियोसा हो या मरजावा में तुम्ही आना, थोड़ी जगह, एक तो कम जिंदगानी, किन्ना सोना, और अब सत्यमेव जयते 2 में मेरी जिंदगी है तू, लहंगा, कुसु कुसु, जनगण मन, माँ शेरावाली, अगेन ही हैज़ गिवन मी ग्रेट म्यूज़िक. लोग हमेशा सोशल मीडिया पे कहते हैं कि मिलाप की फिल्मों में म्यूज़िक बहुत हिट होता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा उसमें मिलाप का कोई योगदान नहीं है. वो योगदान मिस्टर भूषण कुमार जी का है. वो गाने चुन के मुझे हमेशा देते कि मिला, मुझे लगता है ये गाना सुपर हिट होगा. मैं उनको सिचुएशन बताता हूँ, सर रोमांटिक गाना है, अब एक डांस सॉन्ग है, ये सिचुएशन है, तो उस हिसाब से वो मुझे हमेशा गाने देते हैं. एंड लाइक यू सेड, नोरा इज डन अ ग्रेट जॉब अगेन इन कुसु कुसु. 3 फिल्म्स नाउ शी इज बीन पार्ट ऑफ ईच फिल्म. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वंस मोर शी इज डन इट. तो वही तो खासियत है इस एल्बम की कि जहाँ मेरी जिंदगी सुपर हिट है, कुसु कुसु भी सुपर हिट है, लहंगा भी सुपर हिट है, जनगण मन भी है, तो वो एक रेंज दिखाता है म्यूजिक का. यू नो, एक किस्म का म्यूजिक ही नहीं है पिक्चर में. पिक्चर में अलग अलग रोमांटिक गाना है, डांस गाना है, पंजाबी पार्टी गाना है, पेट्रियाटिक गाना है, अब एक दुर्गा माँ का गाना माँ शेरावाली कल आएगा. तो आई फील म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिंदी सिनेमा में. हमारा सिनेमा म्यूजिक से जाना जाता है, राइट? इवन व्हेन डैनी बॉयल को ऑस्कर मिलता है तो, और स्लम डॉग मिलने की, तो जय हो बजता है जब वो स्टेज पे जाते हैं, यू नो, ए आर रहमान साहब का. तो म्यूज़िक हमारे कण कण में है, हमारे हमारी संस्कृति में है. हमारी जो फिल्में हैं वो म्यूज़िक नाच गाने पे हमेशा बहुत ही निर्भर रही है. और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कोई फिल्म बना पाऊँगा जिसमें म्यूज़िक ना हो या गाने ना हो. और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आजकल दौर है, क्योंकि यू नो बिकॉज ऑफ ट्राइंग टू बी कूल एंड ऑल दैट, के गाने बैकग्राउंड में होते हैं, लेकिन जो मज़ा लिपसिंग गानों का है वो बैकग्राउंड गाने का हो ही नहीं सकता. तो अगर आप सत्यमेव जयते 2 देखेंगी तो, या पानियोसा देखेंगी, सॉरी सत्यमेव जयते 1 या मरजावा, मेरे गाने हमेशा लिपसिंग होते हैं. मैं हमेशा लिपसिंग शूट करता हूँ, कि जो एक मज़ा आता है जब हीरोइन गाना गाए या हीरो गाना गाए. लाइक मेरा बेटा है मेहान, 7 साल, 6.5 साल का, वो मुझे पूछता है कि डैडी is does Divya is she's really singing the song? So फिर मैं समझाता हूँ, no बेटा, she's not singing, Neeti is singing, Divya is lip syncing. तो already is entry, उसको एक रुचि है कि अच्छा ये कैसे होता है कि कोई और गा रहा है, कोई होठ हिला रहा है. वही तो मजा है, वही तो खूबी हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा की, नो वही चीज. देखिए, बज़ तो बहुत अच्छी है, लाइक ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है. फिल्म जो मैंने देखी, इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, मुझे बहुत मज़ा आया, इट वाज़ फुल एंटरटेनमेंट. सो यू नो, बहुत टाइम बाद अभी कोविड थोड़ा रिलीफ हुआ है, ख़त्म हुआ है, सब लोग हर जगह जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में, फ्लाइट्स में, क्लब्स में, पार्टीज़ हो रही हैं, शादियाँ हो रही हैं. सो आई होप एंड प्रे कि बहुत अच्छी ओपनिंग मिले. और वंस आई थिंक ओपनिंग मिलेगी तो वंस दैट इज़ डन, आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से पिक्चर बहुत पिकअप होगी. दैट्स व्हाट आई बिलीव. मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ थिएटर में जाइए, बिकॉज पिक्चर में आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिलने वाली है. एंड जॉन ने तो बस पूरी स्क्रीन पर ऐसा फाड़ दिया, आई रियली एंजॉयड वॉचिंग हिम. और या एंड मिलाप हैज डन एन अमेजिंग अमेजिंग वर्क, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, बिकॉज आई कनेक्टेड टू द फिल्म इमोशनली. बहुत जगह फिल्म ने मुझे हंसाया, रुलाया, एंड इट्स लाइक अ कम्प्लीट पैकेज.